विकासनगर में देर रात टैक्सी स्टैंड के पास एक लोडर टेम्पो वाहन में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। वहीं जब सुबह स्थानीय लोगों ने घटना स्थल पर जाकर देखा तो इस जले हुए वाहन में एक शव नजर आया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की पहचान की। शव मुर्शिदाबाद निवासी महिला पिंकी का है, जिसके परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देर रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि विकासनगर बाजार में जो टैक्सी स्टैंड है उसमें एक छोटे हाथी में आग लगने की सूचना थी, तो जिस पर हमारे द्वारा बाजार चौकी क्षेत्र और फायर के कर्मचारी वहां गए, फायर ब्रिगेड गई, तो देखा गया कि छोटे हाथी में आग लगी हुई है जिसमें एक महिला झुलसी हुई है। तो आग को बुझाया गया तथा उक्त महिला की जब विषय में जानकारी की गई तो उसका नाम पिंकी पाइप हाउस हमसाद है, मूल रूप से मुर्शिदाबाद की रहने वाली है और इसके माता मिर्जा दफादार और अन्य इसके परिजन भी चौकी पर आ गए हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आग किन कारणों से लगी। जी,